अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप मुझे देख रहे हैं जागो टाइम्स न्यूज़ ऑफ टेक्सास के ऑनलाइन पोर्टल में। मैं हूं आपकी होस्ट समीना इफ्तिखार अहमद। डॉक्टर आमिर सुलेमान से कौन वाकिफ़ नहीं है, जो यहां के एक अदबी, सियासी और समाजी शख्सियत हैं, हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। मुझे पता है कि आप उर्दू घर इंटरनेशनल के भी बानी हैं, तो इस हवाले से भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि उर्दू घर का ख्याल कैसे आया यहाँ अमेरिका में रहते हुए। उर्दू की तरवीज के लिए आपने एक बहुत अच्छा इदारा कायम किया है, तो इसका ख्याल कैसे आया कि यहाँ पर आपको रहते हुए उर्दू का जो है वो जो तश्कील थी उसमें हमारी मीटिंग हुई, उसमें जनाब इकबाल हैदर साहब शामिल थे, जावेद सिद्दीकी साहब शामिल थे और मसूद काजी साहब शामिल थे। तो मैं यके एज लॉर्ड ऑफ अदर पीपल हूँ, तो मगर ख्याल तो हमारा बड़े अरसे से था उर्दू घर के, क्योंकि हम देख रहे थे कि यहाँ मुशायरे वगैरह बहुत हो रहे थे, मगर कोई थिंक टैंक टाइप चीज़ मौजूद नहीं थी डैलस के अंदर, और ना ही कोई इंतज़ाम था कि बच्चों को उर्दू पढ़ाई जा सके। तो आपकी वसातत से अल्हम्दुलिल्लाह इस्तफा समर वेकेशंस के अंदर हमारे 5 हफ़्ते की उर्दू घर की क्लासें हों, जिसमें तकरीबन 31 बच्चों ने ग्रेजुएट किया। उसके बाद हमारा जो लास्ट ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, उसमें हमने 10 बच्चे ग्रेजुएट किए, और हमारा अगला सेशन जो कि क्लासेस का है, वीकली क्लासेस, वो 5 जनवरी से शुरू होगा, और उसमें हमारे पास ऑलरेडी पूरी क्लास फुल हो चुकी है। चलें, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। अगर आप कुछ पैगाम देना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए। मेरा ख्याल बस जागो टाइम्स पढ़ते रहिए, जागो टाइम्स देखते रहिए, और ये लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे वॉलंटियरिज्म को अपना हिस्सा बनाए हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का। मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो देसी हैं, मगर एक डिस्टिंक्ट फ़र्क जो मैं महसूस करता हूँ, जो लोग यहाँ जो बॉर्न हैं वो फिर भी बेहतर हैं, मगर ख़ास तौर पे से जो पाकिस्तान से आते हैं जिसने ग्रेजुएशन करने, उनके पास वॉलंटरी एक्सपीरियंस ज़ीरो होता है। और जहाँ जो भी आप जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, आपका एम्प्लॉयर इसको देखता है। तो अगर एक मैसेज मैंने देना है जो कि जागो टाइम्स के हवाले से, वो ये है कि वॉलंटियर करें, ये बहुत ज़रूरी है आपके एकेडमिक प्रोग्रेशन के लिए, हमारी सोशल और कल्चरल प्रोग्रेशन के लिए। थैंक यू सो मच।